without requirement sleeping. बॉडी की डिमांड नहीं सोने की और आप उसको सुना रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? उसके बॉडी का जो नेचुरल पैटर्न है उसको आप क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं? और उसके परिणाम देखो क्या हो गए हैं कि जब आप सोना चाहते तब नींद आती नहीं, जब आप सोना नहीं चाहते तब नींद डिस्टर्ब हो चुकी है। इस समय इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कोई है तो स्लीपिंग डिसऑर्डर, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है? वो जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब कर दिया। फिर बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश, एक भी मां मुझे आप तक नहीं मिली जो ये के दे के मारो बच्चों बराबर खानो खावे। कही है वो खावेज को नहीं, घना खावन का नखरा है ना, खावेज को नहीं खिलाओ खिलाओ, नहीं कहे तो भी खिलाओ। और परिणाम सारे सामने, नहीं खाना तो भी वो खाते ही रहता है। मैक्सिमम ये ओबेसिटी के प्रॉब्लम का रीजन वहां पर है कि बॉडी में डाइजेस्टिव हार्मोन्स है नहीं, एंजाइम है नहीं, और मां उसको खिला रही है। और विदाउट एंजाइम अंदर बने यदि खाना अंदर जाएगा, बिना तवा तपे उस पर रोटी डालोगी, परिणाम क्या आएगा? बोलिए क्या क्या नहीं किया आप इसमें से? ये सारा दूध में दही दिया, दूध में नमक डाला है, और इसलिए ये सारी आपके साथ भी यही हुआ है, आपके साथ भी यही हुआ है, और उसी के कारण से हम डिस्टर्ब माइंड है, उसी के कारण से हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसी के कारण से बिल्कुल छाती पर हाथ रख करके कबूल करिए आपका किसी पर भरोसा नहीं है। आप ऊपर से कितना ही कुछ बोल लो, अपना सारा भरोसा कांच के बर्तन जैसा बना हुआ है जिसको टूटते देर ही नहीं लगती है। कि बचपन में इतनी बार हमारा विश्वास टूटा, इतनी बार विश्वास टूटा, इतनी बार विश्वास टूटा है कि हम विश्वास करने का अंदर का समाप्ति हो गया है। बच्चे के अंदर के आस्था के मंदिर तोड़ने का महापाप कोई करते तो माँ बाप करते हैं। बच्चा ब्लाइंडली अपने माँ बाप को भगवान समझता है, ब्लाइंडली। कुछ भी संकट उस पर आया तो कहाँ दौड़ाता वो, माँ के पास, बाप के पास। उसके ब्लाइंडली उसके दिमाग में, बिल्कुल अनकॉन्शियसली उसके दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में बात बैठी हुई थी कि माँ बाप मेरे भगवान है। और उसकी भगवत्ता के आस्था को तोड़ने का महापाप किया गया है।
जब आप बच्चे पर गुस्सा करते हो, जब आप बच्चे को मारते हो, तो बच्चे के दिमाग में क्या पहुंचता है? माँ मेरे माँ बाप मेरे भगवान है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या मैसेज दिया आपको माँ बाप ने आपके लिए? मारने वाले को कोई भगवान कह सकता है? गुस्सा करने वाले को कोई भगवान कह सकता है? भगवान के तो एक ही डेफिनेशन है कि जो बचाए वो भगवान है, जो कृपा बरसाए वो भगवान है। गुंडे को हम मजबूरी में हाथ जोड़ सकते हैं, प्यार से नहीं हाथ जोड़ सकते हैं। और उसी का अगला परिणाम आपके सामने है। जब तक बच्चे की शादी होती नहीं है, तब तक बच्चा माँ बाप के साथ रहता है। जैसी शादी हो गई, उसकी बहू ने नहीं बिगाड़ा उसको, वो तो केवल इतने दिन तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ऑप्शन मिला, रनावे। जैसे ऑप्शन मिला वो ये अंदर में बैठा हुआ है। मैंने मेरे बहुत सारे वर्किंग के फैक्टर हैं, बहुत सारे लोगों से मैं खुली बात करते रहता हूँ। और इन दिनों में सबसे बड़ी यदि बीमारी आपके समाज में चाहे कहीं पर भी जाओ तो बड़ी हुई है, तो इंटरकास्ट मैरिज, लव अफेयर। पुणे में एक बेटी से मैं बात कर रहा था, 23-24 साल की बेटी, और माँ बाप बिल्कुल रो रो करके परेशान। बेटी अफेयर में और मेरे संपर्क में थे। मैंने बेटे से पूछा, तेरे पर माँ बाप ने कुछ कम किया है? और लंबी चीज बातचीत चली जो आपके लिए जनरल बातचीत होती है, लेकिन मैंने एक आखिरी सवाल उसको पूछा, तेरा और माँ बाप का संबंध कितने साल का है, और उस लड़के का और तेरा संबंध कितने साल का है? जितने साल का माँ बाप के साथ संबंध था, उतने महीने का संबंध उस बच्चे के साथ नहीं था। उस बच्चे ने तेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया बलवान साहब। फिर तो उसके पीछे पागल क्यों हो गई? आप उत्तर नहीं दे पाओगे, बच्ची भी उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन एक छोटा सा रीजन है उसका। और आप उसको ध्यान में रखिए, आप बच्चों के साथ बातचीत कैसे करते हैं। मैंने सारी बातें आपको प्रैक्टिकली आगे करानी है, अभी तो मैं केवल आप समझो तो पोस्टमार्टम, आप समझो तो डायग्नोसिस, उसमें चल रहा हूं। वनली वन रीजन, आप बच्चों के साथ जब भी बात करते हैं उसको फिजिकली अटैच करके बात करते हो कि डिस्टेंस रख करके बात करते हो? जब तक छोटे थे तब तक साथ में करते बातें, जैसे बच्चे अपने पांव पर खड़े होने लग गए डिस्टेंस शुरू हो गया। बातचीत करते समय कभी आपने हाथ हाथ में लेकर बात नहीं करी है, बातचीत करते समय कभी आपने उसके पीठ पर हाथ नहीं रखा है, बातचीत करते समय आप कभी उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई ब्रिज नहीं बनाते हैं।
देखो अपनी तरफ, अपने पास पांच इंद्रियां हैं और सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन इंद्रिय है। सबसे बड़ी इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय है। इतने सालों तक आपने उसके स्पर्श इंद्रिय को भूखा प्यासा रखा है और वो भूखी प्यासी स्पर्श इंद्रिय जैसे उसको कोई स्पर्श मिलता है कोलैप्स, टोटली कोलैप्स। कि भूखा आदमी कभी देखता नहीं कि खाना सही है कि गलत है, प्यासा आदमी देखता नहीं पानी कैसा है, बात को ध्यान में लेना। क्या कर रहे हैं हम लोग अपने बच्चे के साथ? सबसे स्ट्रांग लैंग्वेज कोई है स्पर्श की, फीलिंग को कहीं पहुंचानी हो तो शब्द नहीं पहुंचा सकते, एक स्पर्श। किसी को सच में किसी को सांत्वना देनी हो तो शब्द काम नहीं करते। जरा सोचो कि बच्चे का अपने पांवों पर खड़े होने के बाद तुम्हारे हाथ का संबंध उसके साथ केवल केवल नफरत का ही आया है, प्यार का नहीं आया है। जब भी तुम्हारा हाथ का टच हुआ है थप्पड़ के रूप में ही हुआ है, थपकी के रूप में नहीं हुआ है। और जैसी उसको थपकी मिल जाती है ओके, चेन्नई में था मैं पर्सनल, मैं डिक्लेयर करते रहता हूँ कि मैं पर्सनल कंसल्टिंग करता नहीं हूँ, लेकिन एक केस मेरे पास मेरे टीचर की सिफारिश से आई। उसने कहा कि मारा साहब इसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। बहू मेरे पास आई थी और टाइम मेरे पास रहता भी नहीं है, लेकिन वो टीचर की बात थी इसलिए मैंने उसको टाइम दिया। और बहू ने कहा मारा साहब कल मम्मी ने लोहे का घर में जो शेर सवा शेर का पड़ा हुआ था वो उठा करके बेटे को मारा, बोले इनको मारा बोले। वो तो ठीक है कि उन्होंने गर्दन बाजू में कर ली, बोले मम्मी यदि बेटे को मार सकती फेंक करके तो मेरा क्या करेगी। बड़ी फर्स्ट टाइम था मेरे लिए ऐसे केस आने का। मैं सुनता गया उसकी बात को, सुनता गया सुनता गया सुनता गया। थोड़ी देर के बाद उसके मिस्टर भी आए और तब तक मेरे पास जानकारी पहुंच चुकी थी कि वो कच्ची उम्र में विधवा हो गई थी उसकी माँ। बेटा आकर के बैठा है 5-10 मिनट, रीजन मेरे ध्यान में आ चुका था और मैंने बेटे को एक छोटा सा उपाय दिया है। मैंने कहा कल से तुम मम्मी को अपनी माँ को झप्पी देगा। बच्चा मेरी तरफ देखने लगा, बोले माँ साहब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये ट्रीटमेंट है, तूने माँ को कल से झप्पी देनी है। और आप आश्चर्य करोगे आफ्टर 15 डेज वो बहू में जाकर कहती है मारा साहब मम्मी मैं घनो प्यार करने लग गई। ये सारा इंद्रिय विज्ञान आपको समझना चाहिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कैसे शक्ति का दौर चलता है। ध्यान में आ गई सारी बातें? कहीं पर कुछ पूछना हो तो पूछ लो।
आप तो बिल्कुल ऐसे सुनते चले जा रहे कि जैसे बिल्कुल सरेंडर हो चुके हो कि जो बोलो वो मंजूर है। टॉर्चर तो नहीं हो रहा हो ना? अभी तो झलक है, झलक है। लड़ी जी टाइम पीस नहीं है पर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ले आओ नीचे से। अंडरस्टैंड? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? कहीं डिसएग्री तो नहीं हो मेरे से? आ रहा हूँ। मैंने एक वाक्य आपको बोला है कि अपने बच्चे की आस्था के मंदिर को तोड़ा। जब आस्था का मंदिर टूटता है तब बहस करो कि सरेंडर करो, रिजल्ट इक्वल आने हैं। आस्था का मंदिर जब जिंदा होता है तो ना सरेंडर की आवश्यकता होती है ना बहस की आवश्यकता होती है, वहां तक केवल संगम होता है। और कैसे आस्था का मंदिर तोड़ा है आपने, देखिए आप कैसे अपने बच्चे के दिमाग में कचरा भरा है, देखिए आप अपने भरा है कचरा आज। बिल्कुल नहीं, मैं एक पल के लिए भी कभी टीवी मोबाइल इंटरनेट के लिए जिम्मेदार पकड़ता नहीं हूं, ध्यान में रख लेना। मेरे कितने ही व्याख्यान आप सुन लोगे, उस व्याख्यान में मैं कभी टीवी के खिलाफ, कभी इंटरनेट के खिलाफ, कभी मोबाइल के खिलाफ कभी नहीं बोलता। इन्होंने नहीं बिगाड़ा बच्चों को, बच्चों को अपने बिगाड़ा है। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल मोबाइल और टीवी एंड इंटरनेट का लेना देना है इसका। और मैं सीधा आपको, ज्यादा नहीं, बिल्कुल दुर्योधन कौन सा मोबाइल और कौन सा टीवी देखकर बिगड़ा है? कौन सी टीवी देखी थी उसने? दुर्योधन को बिगड़ने के लिए टीवी की जरूरत नहीं है। बाप आंधा हो और माँ आंखों पर पट्टी बांध ले तो बच्चे को दुर्योधन बनने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। बीच में थोड़ी सी कविता सुना दूँ आपको, अच्छी लगेगी थोड़ी सी, और थोड़े से परेशान हो जाओगे, है ना? सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, सूरज अस्ताचल को जा रहा था, पिता की गोद में बेटे का सिर था, पिता की गोद में बेटे का सिर था, पिता बेटे से पूछ रहा था, अर्जुन और अभिमन्यु, अर्जुन और अभिमन्यु, पिता बेटे से पूछ रहा था, बेटा रथी अतिरथी महारथी तेरे साथ थे, रथी अतिरथी महारथी तेरे साथ थे, शस्त्र अस्त्र सब कुछ तेरे पास थे, मंजिल पर तू पहुंच चुका था, मंजिल पर तू पहुंच चुका था, बात केवल लौटने की थी, बता बेटा क्या हुआ? सीन सारा सामने आ गया, चक्रव्यूह छेद चुका था, बात क्या थी? केवल लौटने की थी। सिसकते 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 बच्चे ने जवाब दिया कि तात मात सो गई थी, तात मात सो गई थी। एक माँ जब सो जाती है, एक माँ जब सो जाती है तो महावीर अभिमन्यु को भी सारे शस्त्र अस्त्र रथी अतिरथी महारथी होते हुए भी मौत के मुंह में जाना पड़ता है, कोई उसको बचा नहीं सकता है।
एक माँ जब जाग जाती है, एक माँ जब जाग जाती है तो लाक्षाग्रह भी पांडवों को जला नहीं सकता है। कुंती जागृत है, पांडवों का बाल भी बाका नहीं होता है। एक माँ जब सो जाती है, अंडरस्टैंड, कितना कचरा डाला अपने बच्चों के दिमाग में जरा देखिए। बच्चे के सामने आप लोगों ने परस्पर में आर्ग्यूमेंट किया हुआ है, बच्चा सामने खड़ा है और अपने बच्चे के सामने आपने होम मिनिस्टर कहा है थाने के अक्ल को नहीं, और होम मिनिस्टर ने भी आपको सर्टिफिकेट दिया थाने के समझे को नहीं। तुम मैंने ज्यादा ज्ञान मत सीखा, थाने कहीं समझे को नहीं थे कि मैंने कहा क्यों मत, आपने एक दूसरे को ये सर्टिफिकेट दिए हुए हैं और किसके सामने दिए हुए हैं, बच्चे के पास क्या मैसेज गया है कि दोनों ही बेअक्कल है और बेअक्कल की बात सुनने जैसी, इसलिए बच्चे आपकी बात सुनता, किसने सिखाया उसको पाठ, सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी। मम्मी को पापा सर्टिफिकेट दे, पापा को मम्मी सर्टिफिकेट दे, तो उस पर बेटा कैसे क्वेश्चन लगाएगा। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि बच्चा आपकी बात माने। और आप सभी का ये अनुभव है, बहुत अच्छी तरह से अनुभव है, जो बात आप बच्चे को कहते हैं बच्चा मानता नहीं है, और वही बात तीसरा व्यक्ति आकर के कहता है तो बच्चा माने बिना रहता नहीं है, और फिर उस समय आपकी हालत देखने जैसी हो जाती है, मैं क्यों नहीं मानियो, वे क्यों मान लियो। तो बाप को इनकार कर रहा है, आपको इनकार कर रहा है, वो किसको रिजेक्ट कर रहा है, वो आपको रिजेक्ट कर रहा है। आप समस्या बहुत छोटी सी सामने रख रहे मेरे कि हमारी बात नहीं मानता है, वो तुमको ही नहीं मानता है। बात नहीं मानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो टोटली आपको डिनाई कर रहा है, क्योंकि आप जो बात कहते हैं नहीं मानता है, दूसरा कोई व्यक्ति उस बात को कहता है तो वो मान लेता है। और ये सारा सोचिए आप, क्या क्या डाला है अपने बच्चे के अंदर। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा कुछ कहे देख जे भला कि तू कर सके गए, बच्चे ने कोई काम नया करना शुरू करने का सोची, माँ बाप उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं नहीं, देख थारा से हुई ला गई नसन हो तो कर्ज मती, ये आप क्या कर रहे हैं अभी भी, अभी भी उसकी कॉन्फिडेंस पर, उसकी क्षमता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।